हिमालय में मौजूद एक अद्भुत विचित्र जगह जहाँ के 12 फीट के मनुष्य और कई हजारों साल की आयु हर किसी के पास दैविक शक्तियाँ और हमारे दुनिया से बिल्कुल अलग जैसे मानो कोई स्वर्ग लोक हो। इस विचित्र जगह की खोज ने कई सारे लोगों को अपने तरफ आकर्षित किया है। कई सारे वेदों और पुराणों में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। ये जगह इतनी पवित्र है कि केवल सुनकर ही बहुत अच्छा महसूस होता है। हिमालय में मौजूद सच में एक अद्भुत रहस्यमय जगह है जहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती, लेकिन इस जगह पर पहुँचना आसान बात नहीं है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिमालय में बसे उस शहर के बारे में जिसे दुनिया ज्ञानगंज मठ से जानती है। इसे संभाला और संग्रीला के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध लेखक जेम्स हिल्टन ने अपने किताब लास्ट होरिजन में इस जगह का वर्णन किया है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय मानो रुक ही जाता है। ज्ञानगंज मठ लगभग 2400 किलोमीटर में फैली एक घाटी है। दावा किया जाता है कि यह तिब्बत और अरुणाचल के मध्य में है, लेकिन आज तक कोई भी इस जगह पर नहीं पहुंच पाया है और ना ही इस जगह जाने का कोई तरीका ढूंढ पाया है। उस जगह पर पहुंचने के लिए घोर तपस्या और कठिन साधना करना पड़ता है। कहा जाता है कि वहां देवताओं का आगमन और प्रस्थान होता है। यह जगह अत्यंत पवित्र स्थान होने के कारण यहां केवल धर्म का ही पालन होता है और इस जगह को केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। रामायण के बालकांड में गुरु विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण को सिद्धांताश्रम नामक इसी जगह लेकर जाते हैं और इसी जगह पर वे सिद्धियां प्राप्त करने की बात कहते हैं। जब हनुमान जी संजीवनी बुटिया लाने जा रहे थे तब वेद जी ने भी इसी जगह का जिक्र किया था। बौद्ध धर्म के लोगों के अनुसार ज्ञानगंज में रहने वाले साधु योग विद्या में पारंगत होते हैं और अपने स्वास्थ्य को अनंत काल तक स्वस्थ रखने में सक्षम होते हैं, इसलिए उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि भगवान हमारी आयु वर्षों के अनुसार तय नहीं करता, बल्कि सांसों के अनुसार तय करता है। सीधी भाषा में समझे तो हमें जीवन जीने के लिए सांसें मिलती है और भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारी दी गई सांसें हम जल्दी खत्म कर देते हैं, मगर ज्ञानगंज में रहने वाले साधु एक एक सांस को लंबे समय तक रोककर अपनी आयु को बढ़ाते हैं, जिससे वह हजारों साल तक जीते हैं। संघाई में रहने वाले डॉक्टर लुइसेन ने संभाला के बारे में खोज करते हुए कहा है कि पूरी दुनिया में उस स्थान पर किसी भी तरह की आधुनिक तकनीक का उपयोग करना नामुमकिन है और इस जगह को पृथ्वी से स्वर्ग जाने का मार्ग बताए हैं। कई सारे धर्म ग्रंथों में इस जगह को स्वर्ग का नगर भी कहा गया है, जहां दुख, दर्द, मोह, लोभ का निवास नहीं होता। बौद्ध धर्म के लोगों की मान्यताएं हैं कि गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में समय के चक्र को जान लिया था और उन्होंने इस जगह के बारे में कई लोगों को बताया भी था। उसके बाद से ही इसे तिब्बत में संभाला कहा जाने लगा। सन 1931 में जन्मे रशिया के हेलेना व्लास्टस्की ने अपने किताब आइसिस और द सीग्रेट डॉक्ट्राइन में बताया है कि उन्होंने हिमालय के इस जगह पर 5000 साल पुराने द्वापर युग के 20 से 25 फीट के आकार के जीवों को देखा है। भारत के प्रसिद्ध योगीराज देवराहा बाबा ने भी हिमालय के इस जगह पर सिद्धि प्राप्त करने की बात कही थी। जर्मन के हिटलर ने भी 1930 में अल्टीमा टूले नामक एक टीम बनाकर इस जगह की खोज के लिए हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में भेजा था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जगह का निर्माण विश्वकर्मा द्वारा किया गया है और इस जगह पर केवल सिद्धि प्राप्त करके पहुंचा जा सकता है, लेकिन इस अदृश्य स्थान पर पहुंचने के लिए बौद्ध धर्म में कुछ मार्ग दिए गए हैं और वो मार्ग है कठिन परिश्रम। कुछ बौद्ध लोगों के अनुसार संभाला तिब्बत के कुनलून में है। महाभारत में इस जगह का जिक्र मिलता है जब पांडव अपने अंतिम दिनों में भगवान श्री कृष्ण से स्वर्ग जाने का मार्ग पूछते हैं, तब श्री कृष्ण इस जगह के बारे में बताते हैं और हिंदू धर्म ग्रंथों में इस संभाला के आसपास ही भगवान शिव का निवास स्थान है वो भी बताया गया है। विष्णु पुराण के 9वें अध्याय में कलयुग में अवतरित होने वाले कल्कि अवतार के भविष्यवाणियों में भी इस संभाला जगह का जिक्र किया गया है। तिब्बत के लोगों में ये मान्यता है कि भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब दुनिया में चारों तरफ तबाही होगी और उस बुरे दौर में इस आध्यात्मिक जगत से 25वां शासक प्रकट होगा जो दुनिया को मार्गदर्शित करेगा और सही रास्ता दिखाएगा।
दलाई लामा ने भी इस नगर से सिद्धि प्राप्त करके जाने का मार्ग बताया है। तिब्बत में इस बात पर पूरा यकीन किया जाता है कि कैलाश पर्वत से ही संभाला जाने का कोई रास्ता है और इसी कैलाश पर्वत के नीचे दो शहर बसे हैं, जिनमें से एक है संभाला और दूसरा है अगाथा। वैज्ञानिकों ने भी कैलाश पर्वत के पास रेडिएशन की मात्रा ज्यादा बताई है और इस जगह पर आधुनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। आखिर इस जगह पर ऐसा क्या रहस्य है जो आज तक हम मानव जान नहीं पाए हैं? दोस्तों, इस जगह से जुड़े ढेरों सवाल आपके मन में आते होंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।